विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि खाली पड़े कोटे की दुकानों का आवंटन तत्काल कराया जाए। उन्होंने ई पास से राशन वितरण के संबंध में निर्देश दिए कि सभी जगहों पर ई पास से ही राशन वितरण कराया जाए। मंडलायुक्त ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने, सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रेक्षागृह के धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग मुसहर एवं वन टांगिया गाँव में हर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मंडलायुक्त ने डॉक्टरों के चयन, दवाओं की उपलब्धता, आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड का वितरण, सीएचसी पीएचसी निर्माण की प्रगति तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने किसान पारदर्शी योजना, विद्युत कनेक्शन का संयोजन, विद्युत आपूर्ति, गन्ना मूल्य भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास, मुख्यमंत्री आवास योजना, NRLM, सेतु निर्माण, पट्टा आवंटन, स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों, नई सड़कों के निर्माण, ई टेंडरिंग, गड्ढा मुक्त आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोरखपुर KVN पांडेयन, जिलाधिकारी कुशीनगर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिलाधिकारी देवरिया अमित किशोर, जिलाधिकारी महाराजगंज अमरनाथ उपाध्याय, CDO गोरखपुर अनुज सिंह, देवरिया महाराजगंज कुशीनगर के CDO सहित विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। कहा जो प्रिवेलेंस रेट ज्यादा है, कहाँ मिल रहा है, कम से कम उसको तो बंद करा के वो भी जल्दी फलता है मैंने कंपनी में किया था, उसका फाजिलनगर में किया था, कुबेर खान उसमें जो है एमसी और टीकाकरण जी अभिलेख चेक किए थे जी अभिलेख चेक किए लेके आते हैं हाँ जी उनसे पहले मंगाया जाता है, पहले से बोल दिया जाता है कि ले जाए आपने जो इसका कार्यक्रम बना है उसकी जानकारी प्राप्त हुई आपको।